आप देख रहे हैं लाइव टीवी न्यूज हिंदुस्तान की आवाज। मैं आपके साथ साहिल सोता हूं। देश देश और दुनिया की बड़ी खबरें। ड्यूटी जा रहे दरोगा की बस अड्डे पर हुई हार्ट अटैक से मौत। राजधानी लखनऊ के वजीरगंज थाना क्षेत्र के कैसरबाग बस अड्डे पर उस वक्त लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, जब एक दरोगा की कुर्सी पर बैठे बैठे अचानक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बरेली निवासी दरोगा सतबीर सिंह 56 वर्षीय फैजाबाद से वीआईपी ड्यूटी पर सुबह करीब 3 बजे लखनऊ पहुंचे थे। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दरोगा जी कुर्सी पर बैठे थे और अचानक कुर्सी पर ही तड़पने लगे, जिसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में पास के बलरामपुर हॉस्पिटल में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस का कहना है कि दरोगा सतबीर सिंह की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई है। साथ ही इस घटना की जानकारी मृतक दरोगा के परिजनों को दे दी गई है। वहीं कहना है कि मौत का स्पष्ट कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मालूम हो पाएगा। फिलहाल मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि दरोगा बरेली के निवासी हैं और वो हरदोई में पोस्टेड हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि बरेली अपने घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे, तभी उनकी मौत हुई। दरोगा की मौत पर एक चीज देखने को मिली कि किस तरह मौके पर पहुंची पुलिस दरोगा को तड़पता देखती रही, लेकिन किसी ने भी उन्हें उठाने की जहमत गवारा नहीं की, बल्कि लोगों को उनको उठाने के लिए काफी देर प्रयास किया। जब कोई नहीं मिला तब जाकर वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने उन्हीं के अंगोछे के सहारे उनको टांग कर ले गए, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि किस तरीके से पुलिस ने उनको अस्पताल पहुंचाया। अगर मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्परता दिखाई होती तो शायद आज मृतक दरोगा जिंदा होता। लाइव टीवी न्यूज के लिए गौरव अवस्थी, लखनऊ। हिंदुस्तान की आवाज, नमस्कार।